हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन सी तीन ब्लेसिंग्स और तीन चैलेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। ओके, सो यस, आज की रीडिंग में ना सिर्फ हम आने वाले ब्लेसिंग्स के बारे में देख रहे हैं, हम यहाँ पर आप लोगों के लिए आने वाले चैलेंजेस के बारे में भी देखने वाले हैं। ओके, तो आपको अपने लिए एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है रीडिंग देखने से पहले। और ऑप्शन को सेलेक्ट कैसे करना है, तो आपकी डेस्टिनी नंबर के अनुसार, अपने भाग्यांक के अनुसार। और डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, मान लो कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में दिए हुए सभी डिजिट्स को हम जोड़ते हैं और जो नंबर हमें मिलता है उसे फिर से आपस में जोड़ देते हैं और जो नंबर आता है लास्ट में वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। तो इसी तरह से आप अपनी डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए और फिर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपकी डेस्टिनी नंबर 147 में से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। अगर आपकी डेस्टिनी नंबर 369 में से कोई एक है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। अगर आपकी डेस्टिनी नंबर 258 है तो आप ऑप्शन नंबर 3 की रीडिंग को देखेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग टाइमलेस है, आपके सामने कभी भी आती है, चाहे वो कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर है, आप इसे देख सकते हैं। और दोस्तों ये जनरल रीडिंग है, ओके, तो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। बट यस, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम में जाना होगा और प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM करिए आपके पर्सनल रीडिंग्स के लिए, ठीक है। तो चलिए आपकी रीडिंग हम मिलते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग, आपकी डेस्टिनी नंबर 147 है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन सी ऐसी तीन ब्लेसिंग्स और तीन चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए तीन चैलेंजेस को देखूंगी जो बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द 3 चैलेंजेस दैट विल सून एंटर माय व्यूअर्स लाइफ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड चैलेंज एंड थर्ड चैलेंज, ठीक है। सो वी हैव टेम्परेंस, तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। ऑल्दो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव होता है, मेजर अरकाना कार्ड है, बट ये कार्ड आपके चैलेंज के लिए आया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये कुछ होगा जैसे आपका कोई पेशेंस का टेस्ट ले रहा है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको वेट करने को देखने मिल सकता है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन में कोई पर्सन जो है वो काफ़ी आपके सामने ऐसा बिहेव करेगा और आपको फील होगा कि वो पर्सन आपके पेशेंस का, आपके धैर्य का टेस्ट ले रहा है, ठीक है। मान लो कि आप उनको कुछ कह नहीं रहे हो, ठीक है, फिर भी वो पर्सन बार बार आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है या कुछ बोले जा रहा है, ठीक है। तो आप फिर भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन में रिएक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत मतलब एक पॉजिटिविटी बना के रख रहे हो, अपने तरफ से कोई भी इस तरह से नेगेटिव बिहेवियर नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पहला चैलेंज मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है, लाइक आप लोग जो है वो थोड़ा बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, बट आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। एंड कुछ लोग जो है वो समवेयर यहाँ पे आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो पर्सन कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये तो बहुत शांत है, तो चलो ऐसे बिहेव करते हैं या कुछ बोल देते हैं आपको, तो वैसा कुछ यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंड ये कार्ड टेम्परेंस है, तो आपके सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर कोई पर्सन आपको प्रोवोक कर रहा है, आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है या वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप अपनी हारमोनी, अपनी पीस, अपनी पेशेंस को खोना नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल मैच्योर पर्सन की तरह आपको शांति के साथ चीज़ों को डील करना है, डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर है लोटस, लोटस समवेयर बात कर रहा है कि आपके अंदर जो विस्टम है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई एक ऐसा पर्सन आपके सामने आ रहा है, आप देख रहे हो कि वो पर्सन बेवकूफ़ी कर रहा है, तो उसके साथ आपको बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आपको पेशेंस शो करना है, आपको अपनी बुद्धिमानी शो करनी है, अपनी मैच्योरिटी शो करनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। सेकेंड जो चैलेंज आपके लाइफ में आ रही है, ओ गॉड, वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स, ओके। तो लवर्स का कार्ड यहाँ पे समवेयर बता रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई काम करना है उसके लिए 2-3 रास्ते हो सकते हैं, ओके। लव लाइफ में लेके हो सकता है 2 पर्सन आपके सामने आ रहे हैं,
तो वहाँ पर मुझे थोड़ा डिसीजन लेने में आपको चैलेंज हो सकती है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको डिसीजन लेने में चैलेंज फील होगी, और ये आपकी लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, जहाँ पर आपको आपके सामने दो पर्सन हो सकते हैं या दो पर्सन में से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करना हो सकता है, ठीक है। एंड फॉर सम ऑफ यू आपके करियर या लाइफ के किसी और एस्पेक्ट में वो चीज़ें हो सकती हैं कि दो या तीन चैलेंजेस या तीन ऑप्शंस रहेंगे, और फिर आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ सकता है, एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ, व्हाई इज दिस कार्ड लवर्स हियर। वी हैव कार्ड ऑफ एट ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये आपके काम को लेके बताया जा रहा है, ठीक है। काम को लेके हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, ठीक है, या फिर आपको पता है कि कोई रास्ता सही है, मुझे इस रास्ते के थ्रू या इस तरीके से काम करना है, बट वहाँ पर हो सकता है कि कोई आपको कुछ सजेशन दे रहा है या किसी और को देख के आपको फील हो रहा है कि मैंने तो ये रास्ता चुना है, चलो वो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी करके देखता हूँ या देखती हूँ। तो ये चीज़ होगी आपके सामने एक चैलेंज, ठीक है, कि आपको दो तीन रास्ते दिखेंगे, दो तीन ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है हाँ या नहीं, लेफ्ट या राइट, इस तरह से, ठीक है। कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, उससे भी लेके हो सकता है कि आपको उस टाइम पे जाना है या नहीं जाना है, या आपको देखना है या आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। एंड द थर्ड चैलेंज इज टेन ऑफ कप्स। सो वी हैव दिस कार्ड टेन ऑफ कप्स। ओके, ये टेन ऑफ कप्स का कार्ड समवेयर मुझे बता रहा है, लाइक टेन ऑफ कप्स रिलेटेड टू फैमिली, आपकी मैरिड लाइफ, या हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके रिलेटिव या आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो समवेयर ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फैमिली, आपके लव पार्टनर, एंड एज आई सेड जो भी आपके क्लोज्ड पर्सन है जिनको आप प्यार करते हो। लेट मी सी कि क्या चैलेंज है इस एस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या चैलेंज दिखाए जा रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, ओके, वी हैव कार्ड ऑफ हर्मिट। ओके, ओह यस, यहाँ पे एट ऑफ कप्स है एंड देन एट ऑफ वैंड्स। आई कैन सी ऑप्शन नंबर वन आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली से अटैच्ड हो, ठीक है, फैमिली के साथ रहना आपको पसंद है, और बच्चों के साथ या घर पे कोई बहुत ही प्यारा बच्चा है उसके साथ, या आपके पार्टनर के साथ, या आपके मदर फादर, या घर में आपको रहना बहुत ही पसंद है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद दीज कार्ड्स, जो यहाँ पे सारे कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड बता रहा है जैसे आप लोगों के लिए जो थर्ड चैलेंज होगा वो ये होगा कि आने वाले टाइम में आपको थोड़े टाइम के लिए अपने फैमिली से थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। हर्मिट है, एट ऑफ कप्स है, ठीक है, कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है विद दिस कार्ड, एट ऑफ वैंड्स, ये दो बार आया है आपकी रीडिंग में। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है उस टाइम पे रेडी नहीं है अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जाने के लिए, ठीक है, कहीं ट्रैवल करना है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या कहीं आपको जाना पड़ रहा है, ओके, और इस टाइम पे आपका मन नहीं है जाने को। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है, और हो सकता है आप लोग उस टाइम पे मेंटली रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो टेन ऑफ कप्स समवेयर बता रहा है कि आप लोग फैमिली से बहुत ही क्लोज हो, बहुत ही एक बॉन्डिंग स्ट्रांग है, बट उनको छोड़ के आपको अपने काम के लिए या कुछ सीखने के लिए विद दिस कार्ड हर्मिट, एट ऑफ कप्स, या कुछ जिम्मेदारियों के चलते, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपको कहीं जाना पड़ रहा है, जिसको कि आप थोड़ा चैलेंज के रूप में देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि यस, हम लोगों की इच्छा होती है कि हम अपने फैमिली के साथ घर पे आराम से रहें, बट यहाँ पर आपको थोड़ा मूवमेंट देखने को पड़ रही है, जहाँ पर आप बाहर जा रहे हो, थोड़ी फैमिली से दूर जा रहे हो, अपने पार्टनर लव पार्टनर से थोड़े दूर जा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये सारे आपके मुझे यहाँ पे चैलेंजेस दिखाए गए हैं। लेट मी सी कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग क्या आ रही है, ऐसे कौन सी तीन ब्लेसिंग है जो आप लोग देखने वाले हो। ऑप्शन नंबर वन के लाइफ में कौन सी ऐसी तीन ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग नंबर वन, ये सारे कार्ड्स ऊपर कर देते ताकि कार्ड्स में कंफ्यूजन ना हो। ब्लेसिंग नंबर टू, एंड ये कार्ड फ्लिप हो चुका है, दिस इज थ्री ऑफ कप्स। ओके, ब्लेसिंग नंबर वन है सेवन ऑफ वैंड्स। सेवन ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स, आपने जो सीखा है, आप जितना डिजर्व करते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ओके, सेवन ऑफ फ्रेंड्स क्या बता रहे हैं कि आप बहुत हार्डवर्क करते हो, या आपके अंदर कोई बहुत ही अच्छा स्किल है, आपके अंदर बहुत ही अच्छा कोई टैलेंट है, बोलते अच्छा हो, लिखते अच्छा हो,
ठीक है, कोई भी एक ऐसी, सभी के अंदर क्वालिटी होती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से उस चीज़ के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये काम अगर मुझे मिल जाए तो इससे बेहतर, मुझसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता है, शायद ऐसा आपका बिलीफ हो सकता है। दिस इज कार्ड ऑफ सेवन ऑफ वैंड, तो बहुत स्ट्रांग बिलीफ है आपका, ठीक है, बट उससे रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है कि आपका ये टैलेंट, आपकी ये नॉलेज वो वेस्ट हो रही है, बिकॉज आप उसे कहीं यूज़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सेवन ऑफ वैंड मुझे बता रहा है कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ पर आप अपने टैलेंट को दिखा पाओगे। ठीक है, अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे दिख रही है। इस काम को आप करना चाहते हो तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके, दिस इज़ योर सेकेंड ब्लेसिंग। ये सेकेंड ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। बहुत दिनों से आपके मन में कोई बात को जानने की इच्छा हो रही है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है जानना चाह रहे हो, या किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हो, ठीक है, या आपके मन में कोई ऐसी बहुत ही स्ट्रांग सवाल है, चाहे स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ को लेके हो, या किसी एक पर्सन को लेके हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी, उससे रिलेटेड आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप किसी को कोई बात बताना चाहते हो, कोई सच्चाई बताना चाहते हो, आपके बारे में किसी ने गॉसिप किया है, किसी ने किसी को गलत बता दिया है आपके फ्रेंड के बारे में, ठीक है, या कुछ हो सकता है वैसा, तो फिर वहाँ पर आपकी ट्रूथ लोगों को आप बता पाओगे। कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड पेज ऑफ सोर्स, आपने किसी को कुछ कहा, लोगों ने उस बात को मान लिया, फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि किसी सवाल के जवाब आप ढूंढ रहे हो, वो जवाब आपको मिल जा रहा है, एक क्लैरिटी आपको मिल जा रही है। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड देन यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स जो है ये बता रहा है, जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कोई आपको सेलिब्रेशन का कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। लेट मी सी कि ये किस चीज़ का मैसेज दिया जा रहा है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे किसी, या फिर हो सकता है कि आप लोग किसी दोस्त से मिल सकते हो। चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पे सन है, सो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स के बाद सन। व्हाट इज़ द थर्ड ब्लेसिंग फॉर माय व्यूअर्स? ओ वाओ, फोर ऑफ वैंड्स एंड डेथ। ओके, सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर किसी की मैरिज की गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, किसी की शादी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ें मुझे दिख रही है, वो एक सेलिब्रेशन का कारण होगा। किसी की एंगेजमेंट होने वाली है, सन का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए घर में चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है, अगर आपके घर में कोई पर्सन है या कोई न्यूली मैरिड कपल है तो हो सकता है वहाँ पर चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, एंड थ्री ऑफ कप्स डेफिनेटली किसी की शादी फिक्स होना विद दिस कार्ड, फोर ऑफ वैंड्स कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ या तो आपकी खुद की हो सकती है, ओके, या फिर आपकी किसी फ्रेंड की, आपके सिस्टर या आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है तो वहाँ पर हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे शादी की बात फिक्स होना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे आपके घर में कोई पर्सन, या आपकी खुद की हो सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। दिस इज़ योर थर्ड ब्लेसिंग। ओके, लेट मी सी मोर आप लोगों के लिए और क्या हमें बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर वन, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। वी हैव कार्ड ऑफ स्टैग, प्राइड एंड लीडरशिप। सो यहाँ पर हो सकता है आप लोग जो है वो इस ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप लोग किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो। ठीक है, किसी जगह पे आप लोग पहुँचना चाहते हो। ये कार्ड बता रहा है कि ऑल दो हो सकता है अभी आप लोग चैलेंजेस देख रहे हो, अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, बट आप लोग उस पोजिशन पर ज़रूर पहुँचोगे। ये पोजिशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है जॉब में है, कुछ लोगों को वाकई कहीं पे जाना है, तो वो जगह जहाँ आप लोग जाना चाहते हो वहाँ पर अल्टीमेटली आप लोग पहुँचोगे। बिकॉज हो सकता है ये कार्ड आया है और ये बता रहा है कि आपके मन में इस चीज़ को लेके बहुत ही चिंता है कि आप इस पोजीशन पे पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे। और यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो एक स्टैग जैसा फिगर है। ठीक है, और यहाँ पर भी यही कार्ड आया है, स्टैग। तो आप लोग जो है ना वो पहुँचोगे उस जगह पर, भले ही आपको उस रास्ते पर अकेले चलना पड़े, बट आप जाओगे ज़रूर वहाँ पर। ठीक है, ये डेस्टिनेशन है, ये गोल है आपका जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर वन। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। ध्यान रखिए अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी डेस्टिनी नंबर है 369। लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी ऐसी तीन ब्लेसिंग बहुत जल्द आ रही है, साथ ही साथ कौन से तीन चैलेंजेस भी आपके साथ आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग रीडिंग्स मिलती रहे। सबसे पहले हम आपके तीन चैलेंजेस देखेंगे जो बहुत जल्द आपके लाइफ में आ रहे हैं।
कौन से तीन चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लाइफ में जिन्होंने ऑप्शन नंबर टू सेलेक्ट किया है. नंबर वन, नंबर टू और तीसरा चैलेंज है आप लोगों के लिए. कार्ड है आप लोगों के लिए ट्रैप्ड इन फियर, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. ओके, तो एट ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है? जैसे मान लो कि आप कोई आपके सामने सिचुएशन आई, ठीक है, वो सिचुएशन में उतनी डिफिकल्टी नहीं है जितना कि आप सोच सोच के अपने आप को अपने ही डर में बांध रहे हो. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. मान लो कि आपके एग्जाम्स के डेट आउट हो गए, आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, आपके एग्जाम के डेट आउट हो गए, ठीक है. अब आपके मन में या दिमाग में बात चली गई कि इतने तारीख को एग्ज़ाम होना है आपका. अब आप उस चीज़ को सोच रहे हो, ठीक है, कि मेरे एग्ज़ाम है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो गया, मैंने कम पढ़ाई की है, ये वो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है. बल्कि आप दूसरा रास्ता चुन सकते हो, आप अपने आप को उतने दिनों में पढ़ाई के लिए तैयार कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो. बट आपने क्या रास्ता चुना? आपने चुना ओवर थिंकिंग का रास्ता. नेगेटिव चीज़ों को सोच सोच के आपने फियर क्रिएट कर लिया, ठीक है. तो इस तरह की एक चैलेंज हो सकती है, जैसे कि आप जो है अपने आप को फियर में बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना, जितना सोचने की ज़रूरत नहीं है. सामने कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है जिसको आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है. सो एट ऑफ सोर्ड्स समवेयर आपके मन में, ये एक समझ सकते हैं कि मन थक जाता है तो वैसे होता है कि छोटी सी बात होती है और हमें बहुत बड़ी वो नज़र आती है. तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होना है. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग परेशान हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेचर से कनेक्ट होना है. पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं या सिर्फ जॉगिंग पे जा सकते हैं, कोई किसी पेड़ पौधे के पास बैठ सकते हैं, किसी पार्क में बैठ सकते हैं. तो आपको फील होगा कि आप थोड़े रिफ्रेश हो रहे हो, ठीक है, वो दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, ये जो बार बार आप थकान महसूस कर रहे हो वो चीज़ें खत्म हो रही है, ठीक है. उसके चलते आपकी थोड़ी ओवर थिंकिंग कम होगी. तो ये एक पहली चैलेंज है जो बिना वजह आपको टेंशन घेर रही है और उसी डर में आप जो है अपने आप को थोड़ा ट्रैप फील कर रहे हो. दिस इज़ द फर्स्ट चैलेंज फॉर यू. एंड सेकंड चैलेंज है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स का कार्ड है. ओके, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा आपको एक ऐसा हो रहा है जैसे फील करोगे कि आप अकेले हो, ठीक है. आप जो जिस भगवान पे भरोसा करते हो, अगर आप लोग भगवान में यूनिवर्स में बहुत ट्रस्ट करते हो, तो आपको फील होगा कि ये सभी बातें जो है ना आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, आपके लिए काम नहीं कर रही है. ओके, आपने हो सकता है बहुत सारी रीडिंग्स में भी सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि एक हायर फोर्स है जो हम सभी को गाइड करती है, जो हम सभी के लिए काम करती है, जो हमारी विशेस भी पूरी करती हैं, ठीक है. यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड है. आप लोग ट्रस्ट तो करते हो बट आने वाले टाइम में थोड़ा आपका ट्रस्ट जो है वो इधर उधर हो रहा है, ठीक है. तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपना ट्रस्ट बना के रखना है. हो सकता है चीज़ों में डिले हो रही है, हो सकता है कि आपको लगा कि एक महीने में एक काम हो जाएगा, उसमें 2 महीने लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, बट आपका काम होगा ज़रूर, ठीक है. तो एक ये सिचुएशन है जहाँ पर थोड़ा आपका ट्रस्ट डगमगा रहा है, ठीक है. आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, जिस भगवान में आप भरोसा करते हो उस भरोसा को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ें हैं. कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि थोड़ा डिले हो रहा है, आप हड़बड़ी कर रहे हो. तो आपको यूनिवर्स के टाइम पर भरोसा करना है, यूनिवर्स पर भरोसा करना है. ओके, एंड द थर्ड चैलेंज इज पैशन इग्नाइटेड. तो आप लोग आने वाले टाइम में जो है ना वो समय मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. लाइक ये बता रहा है ये कार्ड मुझे कि आप लोगों को ना अपने माइंड, बॉडी, सोल, सभी चीज़ों को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है. जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज की ज़रूरत नहीं है, आप देखोगे आने वाले टाइम में वहाँ पर आप बहुत एनर्जीज पुट कर रहे हो. जहाँ पर एनर्जीज देने की ज़रूरत है उस काम में आप कम एनर्जी दे रहे हो. तो इससे क्या होगा कि काम जो है वो थोड़ा सा डगमग हो रहा है. इसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर की जो एक्साइटमेंट है, जो एनर्जीज है, वो सही जगह पे लग रही है. ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर जो एनफायर है, जो एनर्जीज है, उसको आप लोग जो है सही जगह पे चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. तो ये आपको देखना है कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जीज को सही जगह पे लगाओ, ठीक है. अदरवाइज क्या होगा कि आपको फील होगा कि आपने अपने टाइम को, अपने अंदर जो चाह थी, जो इच्छा थी, जो पैशन था, उसको कहीं और वेस्ट कर दिया है. तो ये चीज़ें हैं. अगर आपको कुछ करने की इच्छा हो रही है तो आप देखिए उस काम को करने के लिए कि आप जो इतना एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, क्या उसका रिजल्ट आपके लिए सही है, क्या वो काम आपके लिए सही है. तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है, ठीक है. दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशन इग्नाइटेड. अपनी अंदर जो एनर्जी है, अपने अंदर जो फायर है, उसको वेस्ट नहीं करना है कहीं गलत जगह पे, उसको सही जगह पे लगाना है, ठीक है. तो ये चीज़ है. लेट मी सी व्हाट आर द 3 ब्लेसिंग्स जो आप लोगों के लाइफ में आ रही है, ठीक है.
आपकी लाइफ में कौन सी तीन ब्लेसिंग्स बहुत जल्द आ रही है, ये आपके तीन चैलेंजेस थे एंड लेट मी सी द ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग नंबर वन, ब्लेसिंग नंबर टू, ब्लेसिंग नंबर थ्री. सो फर्स्ट ब्लेसिंग इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स. फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि जो लोग यहाँ पर आपकी किसी के साथ कोई रिलेशन खराब था, या मान लो कि किसी पर्सन ने आपसे कोई लोन लिया था, कोई पैसे लिए थे, या आपका कोई पैसे का लॉस हुआ था पास्ट में, वो चीज़ें भरपाई हो रही हैं. ठीक है, ये कार्ड मुझे बता रहा है आप लोगों की आपकी किसी के साथ रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं, किसी के साथ कोई नाराज़गी, किसी के साथ कोई बॉन्डिंग, चाहे वो आपके फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई पुराना दोस्त है, ठीक है, या हो सकता है कोई दूर के रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स भी है, तो उनके साथ चीज़ें स्ट्रांग हो रही हैं. ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू आपसे किसी ने पैसे लिए थे और वो पर्सन जो है वो आपका पैसा रिटर्न नहीं कर रहा था, या आपका पैसा कहीं पे खो गया था, या बैंक में किसी वजह से आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है लाइक पैसे को लेकर कोई सिचुएशन अच्छी हो रही है एंड किसी के साथ बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है. ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्या ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग है ऑप्शन नंबर टू के लिए? ओ यस, यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है एंड ये कंफर्मेशन है. मैंने यहाँ पे कहा था ना कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, या तो आप किसी को माफ़ कर रहे हो या तो फिर आपको माफ़ी मिल रही है. ठीक है, जैसे ये कार्ड बता रहा है कि सेपरेशन हो गया था, सेपरेशन हो गया था, या तो आपने किसी को कुछ कह दिया था, आपको बुरा लग गया था, या उस पर्सन को बुरा लग गया था, बट एक दूसरे को माफ़ करके साथ में आ जाना. और यहाँ पे साथ में आना किसी के साथ भी हो सकता है. ठीक है, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है जिसकी आप परवाह करते हो, जो आपके लिए आपके साथ है. ठीक है, उन लोगों के साथ की चीज़ें अच्छी हो रही है, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है. एंड नाउ द सेकेंड ब्लेसिंग इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ इन मनी. ये मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए. पेंटिकल्स के कार्ड काफ़ी आ रहे हैं. ठीक है, कुछ नया आइडिया आप लोगों को मिल सकता है, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो जॉब है, आपका जो भी काम है ना, वहाँ पर एक ग्रोथ आप देख रहे हैं. एंड इट मे हैपन कि आप लोग अपने काम को लेके काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे. ठीक है, यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा फायर आ रहा है काम को लेके. आपका मन करेगा, आपकी इच्छा होगी कि दिन भर काम करते रहें, नए नए आइडियाज़ लगाएं, अपने काम को दो से चार, चार से पाँच करके बड़ा बनाएं. ठीक है, तो नए नए काम करना और ज़्यादा काम करना और ग्रोथ देखना काम में. ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी मुझे दिख रहा है अलग अलग तरीके से पढ़ाई करना, नोट्स बनाना, और कोचिंग, ट्यूशंस, ऑनलाइन क्लासेस करना, बहुत कुछ काम में, करियर में बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होगी जिसके चलते आपके काम में एक ग्रोथ देख सकते हैं, प्रोग्रेस देख सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोगों का किसी सिचुएशन में कंट्रोल आ रहा है. ठीक है, कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपकी कंट्रोल बढ़ रही है, लोग आपकी बातों को मान रहे हैं. लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड. ये कार्ड क्यों है? मैजिशियन का कार्ड एंड यूनिवर्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि आप लोग जब रीडिंग सुन रहे हो तो या तो यूनिवर्स के साथ आपने कुछ प्रे किया है, भगवान से, डिवाइन पावर से, ठीक है, जिस भी नाम से आप बुलाते हो, वहाँ से कुछ प्रे किया है, कोई विश मांगी है. लेट मी सी क्यों है मैजिशियन का कार्ड ऑप्शन नंबर टू के लिए, प्लीज़ गाइड मी. ओ माई गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल. यस, तो आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करोगे. ठीक है, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन पावर के साथ, एंड आपको फील होगा दैट यू आर प्रोटेक्टेड. ठीक है, एक चैलेंज के लिए आपका आया कि आपका ट्रस्ट जो है वो इधर उधर हो रहा है, और उसके बाद आ रहा है ब्लेसिंग में मैजिशियन का कार्ड. तो कहीं ना कहीं जब आपको यूनिवर्स देख रहे हैं, डिवाइन पावर देख रहे हैं, आपके एंजल्स देख रहे हैं कि आपका उनके ऊपर से भरोसा इधर उधर हो रहा है, उसी वक्त या कुछ टाइम के बाद आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल साइन दिखेगा जिसके चलते आपको फील होगा दैट आप प्रोटेक्ट किए जा रहे हो, आप अकेले नहीं हो, आपकी विशेज भी मैनिफेस्ट होंगी. ठीक है, आपके अंदर भी मैजिशियन की क्वालिटी है, आप कनेक्टेड फील करोगे एंजेलिक रेल्म से. ठीक है, एंड मैजिशियन का कार्ड है, नंबर वन कार्ड के नीचे नंबर वन कार्ड है. आप लोग बहुत ही पावरफुल पर्सन हो. ठीक है, आप लोग जो है बहुत ही अलाइंड हो. ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो भी मैसेजेस भेजते हो उसको सुना जा रहा है. ठीक है, तो आप अपने एनर्जीज को अच्छा रखिए, किसी तरह की डाउट आने मत दीजिए. मे बी थोड़ा जब किसी चीज़ में लेट होता है या कोई काम आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो थोड़ा परेशानी होती है, पर आपको
ट्रस्ट नहीं खोना है कि आपके साथ अच्छा होने वाला है. दिस इज कार्ड ऑफ प्राइड एंड लीडरशिप. ओके, यू आर वेरी पावरफुल. आप लोग बहुत ही पावरफुल पर्सन हो, एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है. एंड यस, यहाँ पे फोकस का कार्ड है. आपको फोकस बना के रखना है कि आपका फोकस सही जगह पे है. एंड फोकस को इधर उधर मत होने दीजिए. एंड मैजिशियन का कार्ड, आप जो भी चाहते हैं उन सभी चीज़ों को आप अपने लाइफ में लेके आएंगे. ठीक है, आप जैसे अपने लाइफ को जीना चाहते हैं वो चीज़ें होंगी, बट आपको अपना फोकस इधर उधर नहीं करना है. ओके, नाउ लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस, या एक कार्ड जो आपके लिए मैसेज है. दिस इज द कार्ड ऑफ स्टॉर्म वार्निंग. ओके, स्टॉर्म वार्निंग समवेयर मुझे बता रहा है कि अपने थॉट्स, अपने विजन को क्लियर रखो. ठीक है, जो प्रॉब्लम है नहीं उसके बारे में भी सोच सोच के आप लोग जो है वो चीज़ों को खराब कर रहे हो. इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करना आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज हो सकता है आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई मुसीबत है नहीं, कोई मुसीबत आई नहीं है, बट फिर भी आप उस चीज़ को देख रहे हो कि वो मुसीबत हो जाएगी. ये ध्यान रखना है आपको. एंड विक्ट्री का कार्ड है, नंबर 2+8=10, यहाँ पर भी 10 है. ओके, ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं अगर आपको ऐसा डर भी है कि आपकी किसी सिचुएशन में हार होगी या कोई प्रॉब्लम में फंसोगे, वहाँ पर आपकी जीत हो जाएगी, विक्ट्री हो जाएगी. ठीक है, तो इतना पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों. इतने क्लियरली और इतने अच्छे से मैसेज आया है ऑप्शन नंबर 2 के लिए. सो आपकी रीडिंग खत्म होती है यहाँ पर. आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर. मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हेलो, ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. आपकी डेस्टिनी नंबर 258 है. चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में ऐसी कौन सी 3 चैलेंजेस और 3 ब्लेसिंग्स बहुत जल्द आ रही है आपके लाइफ के अंदर. ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिफोर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करें. हमारे व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है, उनके लाइफ में कौन से ऐसे 3 चैलेंज आएगी. पहले हम चैलेंजेस देख ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम ब्लेसिंग देखेंगे. What are their 3 challenges that they will have to face very soon? This is card for first challenge. Card number 2 and card number 3. So, चलिए, I know आप लोग बहुत excited हो जानने के लिए, तो देखते हैं पहला card क्या है. पहला card है heart chakra. ओके, सो हार्ट चक्र भी एक पॉजिटिव कार्ड है. ठीक है, बट चैलेंज के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, अपनी केयर को कहाँ पे लगा रहे हो, किस पर्सन में इन्वेस्ट कर रहे हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, हार्ट चक्र समवेयर यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप चीज़ों को, मतलब आपके प्यार है, ठीक है, आपके जो इमोशंस है वो अगर सही पर्सन में देते हो, सही पर्सन को आप देते हो, तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बट आपको ये भी ध्यान देना है कि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपकी कद्र नहीं हो रही है या फिर आपको बार बार हर्ट किया जा रहा है आपके इमोशंस को, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा. ओके, ऑल्सो ये कार्ड यहाँ पर ये भी मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फियर फील करते हैं. ठीक है, डर महसूस करते हैं किसी से अपनी बात को शेयर करने में. ठीक है, मान लो आपके मदर के साथ ही, आपके फादर के साथ ही, आपके भाई बहन के साथ ही, वहाँ पर भी आप अपने आप को अच्छे से बोल नहीं पाते हो. ठीक है, या आपको लगता है कि मैंने अपने इमोशंस को बताया तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, या हार्ट चक्रा में किसी तरह की ब्लॉकेजेस है, फियर है, आप हमेशा ही अकेला रहना चाहते हो, तो आपको हार्ट चक्रा के लिए थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है. कैसे वर्क करेंगे, तो हार्ट चक्रा के लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है. गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस बहुत सारी प्रेजेंट है यूट्यूब पे, आप यूज़ कर सकते हैं और 21 डेज करिए आप, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा. सो हार्ट चक्रा समवेयर यहाँ पे बता रहा है कि आपको थोड़ा इमोशंस को अपने प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. कहाँ पर प्यार, कहाँ पे अपनी केयर दे रहे हो, किस पर्सन को दे रहे हो, वो ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, ऑल्सो अगर आपको बहुत ही फियर फील होता है, डर फील होता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा आपको एनजाइटी इशूज़ है, घबराहट फील हो रही है बोलने में, ठीक है आपको चेस्ट में थोड़ा हेवीनेस या बहुत ही घबराहट फील होना, एंशियसनेस, तो वहाँ पर आप थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, बहुत अच्छा होगा. या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी से कोई बात शेयर करना चाहते हो, उस चीज़ को आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी एक बहुत ही विश्वसनीय पर्सन पे जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, उससे अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. सो सेकंड चैलेंज क्या है आप लोगों के लिए, डेस्टिनी. ओके, दिस इज कार्ड ऑफ डेस्टिनी. तो ऐसा कोई एक इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है. ठीक है, कोई अचानक से आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और उसको देख के आप सरप्राइज फील कर रहे हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लगेगा भाई इतना बड़ा चेंज हमारी लाइफ में अचानक से आ रहा है,
और जैसे कि आप देख रहे हो इस कार्ड पे, दोनों हाथ अपने दिल पे रख रखा है इस लड़की ने, तो ऐसा हो सकता है आपको लगेगा कि अरे अचानक से क्या हो गया मेरे लाइफ में, ठीक है। लेट मी सी कि ये कार्ड क्या बता रहा है, किस तरह का चेंज आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज दिस। बट डेफिनेटली कोई अनएक्सपेक्टेडली एक चेंज आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, कुछ चीज़ें अचानक से बदल रही हैं। क्या बदल रहा है, क्या चीज़ें हैं? ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, जजमेंट, तो आप लोगों के लिए क्या बदल रहा है यहाँ पर? एक चीज, ये तीनों कार्ड्स आए हैं ना, टेन ऑफ सोर्ड्स है और थ्री ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट है, ये जो दोनों कार्ड्स है ना, ये दोनों कार्ड चैलेंजेस को बता रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई पर्सन आपका पास्ट से वापस आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन वो है जिसने आपको पास्ट में चीट किया था, पास्ट में आपको धोखा दिया था, पास्ट में आपको हर्ट किया था, या पास्ट में आपके साथ इसकी चीज़ें अच्छी नहीं थी, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स पार्टनर, कुछ भी, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिनके साथ आपकी चीज़ें सही नहीं रहती है, वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। वो आपसे एक चांस मांग सकता है और आप डेफिनेटली बहुत ही शॉक्ड फील करोगे इस चेंज को देख के, उस पर्सन के अंदर ये बदलाव को देख के, ठीक है। आपको लगेगा है ये पर्सन ऐसा बोल रहा है, ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो दिस इज योर सेकेंड चैलेंज कि आपको इसी पर्सन को वापस से फेस करना पड़ेगा जिसने आपका दिल दुखाया या कोई झूठ बोला था, हर्ट किया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है ऐसी, अभी कोई ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप की बात ही हो रही है, अगर आप सिंगल हो, इवन हो सकता है पास्ट का कोई पर्सन जिनके साथ आपकी चीज़ें अच्छी नहीं थी, उस पर्सन का वापस से आपके लाइफ में आना है, मे बी मिलने को आ सकता है, फ़ोन कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, ओके। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। थर्ड क्या है आपके लिए, थर्ड चैलेंज क्या है? रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है दोस्तों, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट मुझे दिख रहा है ना, और आपके लिए फोर फोर नंबर है यहाँ पे, ठीक है। फोर फोर नंबर आप लोगों के लिए आया है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे बता रहा है आप लोगों के लिए कि आने वाले टाइम में आपको फील होगा कि आपको कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। आपको जैसा बिठा दिया गया है, ये एक सिचुएशन है जिसको मैंने एक लाइन बताया है आपको समझने को, ठीक है। ये आपके घर पे भी हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पर भी हो सकता है। यू विल फील लाइक कि आपको बोला गया है कि तुम चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, बाकी कुछ जैसे हो रहा है उसको देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, ठीक है। एंड इसका कारण ये हो सकता है कि आप जो है उस टाइम पे, हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी ज़रूरत नहीं है, कुछ और लोग हैं, उन लोगों को काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर। दैट्स वाई आपको कहा जाएगा कि तुम बैठो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बट ये चीज़ आपको परेशान करेगी, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे करना है, मेरा काम है ये, मुझे करना है, बट आपको कुछ लोग वो काम करने नहीं देंगे, ठीक है। एंड दैट्स वाई आप थोड़ा उस चीज़ को लेके आपके अंदर वो चिड़चिड़ाहट होगी, झुंझलाहट हो सकती है कि मैं क्यों बैठूँ, क्या मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड, वाइस फोर ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड जो फोर का कार्ड है ना, वो राहु का भी कार्ड होता है दोस्तों, ठीक है। चार नंबर राहु का कार्ड है, और ये कार्ड आप लोगों को क्या बता रहा है कि वर्क प्लेस पे किसी से लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है, ठीक है। दिस इज कार्ड ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स। वर्क प्लेस पे थोड़ा सोच समझ के बात करिएगा आपके बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ। हो सकता है कि आपने बोला कुछ, उनको बुरा लग गया, और फिर आपको वहाँ पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। कि किसी टीम में वर्क करते हो, किसी ग्रुप में वर्क करते हो, तो सोच समझ के वहाँ पर बात करने की ज़रूरत है आपको, अदरवाइज थोड़ा आपको बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो फिर उनसे जो भी बोलते हो सही से बोलिए, पेशेंस के साथ बात करिए। क्योंकि अगर आपने किसी को गुस्से में, अगर आपने जानबूझ के नहीं भी बोला, गुस्से में ही बोल दिया, ठीक है, मूड खराब है बट बोल दिया कुछ, तो लोग समझेंगे नहीं कि आपने उनको नहीं बोला है, गुस्से में बोला है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यस, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। एंड अगर आपको बोला जा रहा है, अगर बहुत सारे लोग मिलके आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा आप रेस्ट कर लो, थोड़ा आप ये काम मत करो, तो वहाँ पर रेस्ट करिए, ठीक है, रुक जाइए। जब आपकी ज़रूरत होगी, डेफिनेटली आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। टू ऑफ कप्स है, रिलेशनशिप में भी ये बात ध्यान रखनी है, मैरिज में भी ध्यान रखनी है। अगर आपके पार्टनर कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, ठीक है। फिर आपको फिर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप
बिल्कुल काम करने के लायक नहीं हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी हमें थोड़ा रेस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें। कभी कभी ऑब्जर्वर बनना भी अच्छा होता है, चीज़ों को देखते रहना कि कौन कैसे क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें दिख रही है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग है, व्हाट इज़ द ब्लेसिंग। तीन तीन ब्लेसिंग्स हम देखेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहे हैं। फर्स्ट ब्लेसिंग, सेकंड ब्लेसिंग एंड द थर्ड वन। सफरिंग इन साइलेंस, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली इस ऑप्शन को जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप लोग हो सकता है अकेले किसी बात को दिल में बैठा के रखे हो, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही हो बहुत दिनों से, ठीक है। किसी चीज़ को लेके बहुत परेशानी है और उस चीज़ को आप शेयर करना चाहते हैं बट शेयर नहीं कर रहे, या फिर आपका ऐसा नेचर हो चुका है, आपको डर लगने लगा है किसी से कोई बात शेयर करने को। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सफरिंग इन साइलेंस। लेट मी सी ये आपके लिए किस तरह से एक ब्लेसिंग होने वाला। हो सकता है आप लोग कोई बात बहुत सोच रहे हो, रातों में नींद नहीं आ रही है, रोना आ रहा है, बहुत सोच रहे हैं, तकलीफ हो रही है, ग्रीफ हो रहा है, अफसोस हो रहा है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, वर्क को लेके हो सकता है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द ब्लेसिंग हियर, क्या ब्लेसिंग छुपी है यहाँ पर। रोमांस इल्यूशन सीकिंग द सेक्रेट, द ग्रेल नाइट का कार्ड है यहाँ पर एंड दिस इज नंबर 6। अगर आप किसी पर्सन को याद करके रो रहे हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस पर्सन का आपके लाइफ में वापस आना हो रहा है, ठीक है। दिस इज द कार्ड ऑफ ग्रेल नाइट, रोमांस, हो सकता है रिलेशनशिप की बात है, ओके। एंड अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या कोई ऐसी बात है जो आपने शेयर करनी है किसी से, तो आप जो है वो किसी भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है सफरिंग इन साइलेंस। अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया था ईगो में आके, तो वो पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांगने को आएगा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है जैसे किसी पर्सन ने आपको ईगो दिखा के या आपको छोटा दिखाने की कोशिश की हो, या आपको ऐसा कुछ गलत बात कह दिया, ठीक है, तो वहाँ पर उस पर्सन की तरफ से आपको माफ़ी मिल जाएगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। हो सकता है आप लोग अगर अपने पार्टनर की वजह से यहाँ पे परेशान हो, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो किसी पर्सन के लिए हो सकता है परेशान हो, किसी को पसंद करते हो, वहाँ पर आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, ये बात आपको काफ़ी तकलीफ दे रही है। ये दो कार्ड्स हैं यहाँ पे पार्टनर्स के लिए, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, तो हो सकता है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। एंड डेफिनेटली आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए परेशान हो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, किंग एंड क्वीन है, और वो भी सेम सूट के किंग एंड क्वीन, सोर्ड के सोर्ड के, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपकी जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड है डिवाइन की तरफ से। अगर कुछ चैलेंजेस अभी चल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, समय के साथ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एंड नाइट ऑफ कॉइंस, डेफिनेटली यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आपकी इस कनेक्शन में, इस पर्सन के लिए जिसके लिए आप लोग बहुत टेंशन में, वहाँ पर आप लोग फील करोगे कि स्टेबिलिटी आ रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ओके। लेट मी सी मोर, द फूल, डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन सिंबल्स एंड या कुछ ना कुछ इस पर्सन की तरफ से एफर्ट हो सकता है आप लोगों को दिखेगा आपके लिए, और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। टेन ऑफ कॉइन्स, यस डेफिनेटली आपको घबराना नहीं है, बिकॉज ये आपके लिए प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ये आपके लिए डेस्टिनी में है ये पर्सन, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी कि ये जो कनेक्शन है, ये जो पर्सन है, ये आपके लिए रोमांटिकली इन्वॉल्व है। वी हैव दिस कार्ड किंग एंड क्वीन, ऑल्सो यहाँ पे रोमांस का कार्ड है, तो हो सकता है आप लोग कोई पार्टनर, कोई पर्सन या अपने वाइफ हस्बैंड के लिए परेशान हो, तो टेंशन लेना नहीं है। आप लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पर चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। एंड दिस इज़ योर ब्लेसिंग, फर्स्ट ब्लेसिंग ये है आप लोगों के लिए, ओके। नाउ द सेकंड ब्लेसिंग इज़ डिसकंटेंट एंड बोर्डम, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आप लोग बहुत दिनों से कहीं जाना चाहते हो, कहीं घूमना फिरना चाहते हो, बहुत बोर फील कर रहे हो, लाइफ बिल्कुल नीरस लग रही है, कोई कलर नज़र नहीं आ रहा है, टेस्टलेस, या फिर आपको लग रहा है जैसे इंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 7 कलर्स दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ के कलर्स है, बट आपके लिए कुछ नहीं, आपके लिए ब्लैक ब्लू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप सैड हो चुके हो, कहीं ना कहीं आपको घूमना फिरना है, इंजॉय करना है, मस्ती करना है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। लेट मी सी कि क्या ब्लेसिंग है यहाँ पर, ये कार्ड क्या ब्लेसिंग दे के आ रहा है। फोर ऑफ कप्स, हो सकता है आप लोग कंपेयर कर रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी स्टेटस अच्छी नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आप अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हो, खुद को बहुत कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें वैसे यहाँ पे दिख रही हैं। ओह माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पे वेल्थ का कार्ड है, ओके। सो यस, हो सकता है आप लोगों को वेल्थ गेन होने वाली है, पैसे मिलने वाले हैं। अगर आप लोग कुछ खरीदना चाह रहे थे उसके लिए खुद को कंपेयर कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मे बी कुछ खरीदना हो, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, आप पैसे चाह रहे थे आप लोग, तो वेल्थ यहाँ पे मिल रही है आप लोगों को। ऑल्सो एक चीज़
आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी स्टेटस, अपनी पोजीशन को किसी से कंपेयर मत करिए, ठीक है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। अगर आपने, आपको मान लो कि आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल छोटे से अमाउंट बताती हूँ, आपको 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि आपको 1,00,000 रुपये चाहिए, उसके बाद आपको लगेगा 1 करोड़ चाहिए। इस तरह से जो अमाउंट होती है ना, जो कंपेयर करने की एनर्जी होती है, वो कभी नहीं सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। इसलिए खुश अगर आपको रहना है तो जो भी चीज़ें हैं आपके पास उसमें खुश रहना सीखिए, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग ग्रोथ अच्छी नहीं है, सक्सेस अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, और हमेशा ग्रो करना भी चाहिए, सक्सेस लेना चाहिए, सक्सेस पाना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को बिल्कुल भूल जाओ, उसमें इंजॉय ही ना करो, ठीक है। तो जब भी आप अपनी जर्नी में पीछे मुड़ के देखो तो आपको ये लगना चाहिए कि यस, मैंने अपनी इस जर्नी के हर एक दिन को एंजॉय किया है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आप जब माउंटेन के टॉप पे रहो तो आप जब नीचे मुड़ के देख रहे हो तो आपको लगेगा कि मैंने एक भी दिन जाया नहीं किया अपनी ज़िंदगी का, हर एक दिन हार्डवर्क किया है, उसको इंजॉय किया है, खुश रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। बट यस, आपकी ब्लेसिंग यहाँ पे है वेल्थ का कार्ड, तो आपको वेल्थ मिल रही है। मे बी कुछ लोग कुछ परचेस करना चाहते हैं तो वो परचेस कर पाएंगे, ओके। एंड ओमेंस एंड मैसेजेस, कुछ लोगों को हो सकता है कोई पैसे से रिलेटेड कोई ऑफर मिलना, कोई पेमेंट मिलना, ठीक है, कोई मेल आएगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपकी, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मनी जो है वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की दिख रही है। एंड योर थर्ड ब्लेसिंग इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, टू ऑफ सोर्ड। हो सकता है किसी बात को लेके आप लोग मेंटली बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड हो, ठीक है, किसी पर्सन का कोई या किसी भी सिचुएशन के बारे में, कभी आपको लग रहा है कि ये बात है, कभी लग रहा है ये बात है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये सही है, फिर लग रहा है कि ये गलत है। तो इस तरह से ना दुविधा वाली एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओके। किसी सिचुएशन के बारे में आप एक बात पे पहुंच ही नहीं पा रहे, एक कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पा रहे हो आप लोग। सो लेट मी सी व्हाट इज द ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग है। एक्सिलरेटेड मोशन, किसी कन्फ्यूजन की स्टेट से आप लोग बाहर निकल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर निकलना आप लोगों का हो रहा है। यस, मूविंग ऑन। हो सकता है आप लोग किसी सिचुएशन में आप लोग फंसे हुए हो, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। मोशन का भी कार्ड है और मूविंग ऑन का भी कार्ड है। तो आप लोग एक सिचुएशन में डिसाइड करके एक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, एक चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो या किसी एक कंक्लूजन पर आप लोग पहुँच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शैडो है, डेफिनेटली आप लोग दो चीज़ों में फंसे हुए, एक अच्छा है एक बुरा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, उस तरह की सिचुएशन है आपके लाइफ में। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आपके लिए सही है। हो माय गॉड, कैन यू सी यहाँ पे कितने रिलेट होके कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। चूज वाइजली का कार्ड है, आप लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे कौन सही है कौन गलत है। तो आप लोग आने वाले टाइम में एक सही डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। अपने विजडम का इस्तेमाल करके, मे बी कोई पर्सन, कोई आपके घर में कोई बड़ा पर्सन है या कोई एक ऐसा पर्सन डेफिनेटली आपकी हेल्प करने आ रहा है और आपको बताएगा कि आपको क्या चूज करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ओके। यस, आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है और एक सही डिसीजन आप लोग लेने वाले हो, ठीक है। तो आपको टेंशन लेना नहीं है, आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन है, किसी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यस, आपको ट्रस्ट रखना है। एंड यहाँ पे मैसेज है क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज। तो आपके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही है तो वो दिमाग से आपकी बाहर जाएगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए एक मैसेज जो हम लेंगे, आप लोगों के लिए गाइडेंस हो या एंजल्स की तरफ से कोई मैसेज। द गार्डन एंड द गेट, दिस इज द टाइम जब आपको किसी तरह की, जो आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना रखी है, ठीक है, चाहे आप लोगों से नहीं मिलते हो। डेफिनेटली हर चक्र का कार्ड यहाँ पे आया था तो मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि अपने आपको क्लोज कर ले, अपने बात नहीं शेयर कर पाते हो, ठीक है। तो ये बाउंड्री, ये गेट आपको थोड़ा खोलने की ज़रूरत है। हर एक पर्सन बदमाश नहीं होता, हर एक पर्सन ऐसा नहीं होता जो आपको धोखा देने को बैठा है, ठीक है। इसी दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इसी दुनिया में बुरे लोग भी हैं, बस आपको पहचान करनी है। और हाँ, एक एक्सपीरियंस पे सभी को जज करना बहुत गलत होता है, ठीक है। मैं डेफिनेटली ये चीज़ आपको बता सकती हूँ कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और बस अपनी आप को सही रखना ज़रूरी है, ठीक है। आपको एक पहचान बनानी ज़रूरी है, और ये चीज़ करना तो बिल्कुल गलत है कि एक बार किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसके बेसिस पे सभी के साथ वैसा ही सोच रहे हो, ठीक है। उस तरह से रहोगे तो फिर डेफिनेटली काफ़ी सफ़र करोगे। आपके लिए कार्ड भी है सफरिंग इन साइलेंस। तो इससे आपको बचने के लिए क्या करना है, थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है। इतना डरिए मत, ठीक है, हर बार आपके साथ ही गलत होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ट्रस्ट बना के रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अवेयर रहिए, आँखों को खुला रखिए, चौकन्ना रखिए,
अपनी इंट्यूशन की सुनिए, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। सो आपकी रीडिंग यहाँ पे खत्म हो रही है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, मुझे बताइएगा जरूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।